नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि बिजली जनरेटिंग स्टेशन से निकलकर ट्रांसमिटिंग सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, रिसीविंग सब स्टेशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से होते हुए हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है और इस सब के बीच में क्या-क्या होता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। ये आप देख रहे हैं, ये पावर जनरेटिंग स्टेशन है, जिसको हम सोर्स बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ पर पावर का जनरेशन होता है। तो ये थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और इन पावर स्टेशंस में जो पावर जनरेट होती है, इसमें हमने एग्जांपल पे लिया है कि अगर 1000 मेगावाट का ये प्लांट है, यहाँ पे 1000 मेगावाट जनरेट होती है बिजली, तो इनमें से कुछ पावर जो होती है वो आसपास के एरिए में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वहाँ पर खपत हो जाती है। बाकी की जो बची हुई पावर होती है, उसको बड़े शहरों में जहाँ पर पावर की डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन जनरेशन नहीं होता है, उन शहरों को भेजी जाती है। इस तरह से ये पावर को भेजने के लिए पूरे नेटवर्क की आवश्यकता होती है, उसको हम अभी आगे देखेंगे। तो ये जो पावर है, इसको भेजने के लिए अगर हम भेजते हैं किसी लाइन्स के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू, तो इसमें I²R लॉसेस होते हैं, जिससे हमारी पावर लॉस हो जाती है। तो इन लॉसेस को कम करने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। वोल्टेज को बढ़ाने से करंट कम हो जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि ये I²R जो लाइन लॉसेस होते हैं वो करंट पे डिपेंड करते हैं, तो करंट कम होने से ये लॉसेस भी कम हो जाते हैं। इस प्रकार से हम मैक्सिमम पावर को सोर्स एंड से लोड एंड तक भेज पाते हैं। तो इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जनरेटिंग ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। ये आप देख रहे हैं, ये जनरेटिंग ट्रांसफार्मर है। जो स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज होता है वो 11 kV होता है। 11 kV से 25 kV तक के वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे जनरेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 11 kV स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज लिया है, इसको जनरेटिंग ट्रांसफार्मर की मदद से 400 kV में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसको ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू पावर को एक एंड से दूसरे एंड तक भेजा जाता है। तो दोस्तों, अब जो ये जनरेटिंग स्टेशंस है, यहाँ से जो है 400 kV की लाइन्स निकलती है, जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ये लंबी दूरी की ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट करने का काम करती हैं। अगर मान लीजिए कि झारखंड में कोई पावर प्लांट है और वहाँ पे ये जनरेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये कोई थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे अगर जनरेशन हो रहा है और उस पावर को दिल्ली को भेजना है, दिल्ली में भेजना है, तो उसके लिए जो है इन 400 kV की जो ट्रांसमिशन लाइन्स है उनका उपयोग किया जाता है। उसके माध्यम से पावर को भेजा जाता है, जो उस शहर के आसपास जो 400 kV के सब स्टेशंस होंगे, पावर स्टेशंस होंगे, वहाँ पर ये पावर भेजी जाएगी। फिर उस पावर को जो है स्टेप डाउन किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर की मदद से। तो पावर ट्रांसफार्मर जो 400 kV को 220 kV में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो है इस 220 kV की लाइनें इस पावर स्टेशन से निकलती है, सब स्टेशन से, और ये 220 kV की लाइन आसपास के शहरों को कनेक्ट करने का काम करती है। जो आसपास के शहरों में 220 kV के सब स्टेशंस होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। और इस प्रकार से ये 220 kV की जो लाइन होती है दूसरे पावर स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर इसको और कम किया जाता है, 220 से 132 kV की वोल्टेज लेवल पर कन्वर्ट किया जाता है और इसको आगे के लिए भेजा जाता है। तथा जो EHV कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया और कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई, उनको भी ये 132 kV की लाइन से ही पावर दिया जाता है EHV कंज्यूमर्स को।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये जो जनरेटिंग स्टेशंस के बाद का नेटवर्क देख रहे हैं, इसे हम ट्रांसमिशन नेटवर्क कहते हैं। ये पूरा ट्रांसमिशन लाइंस हैं, अलग अलग वोल्टेज लेवल की ट्रांसमिशन लाइन है, तथा ये पावर ग्रिड सब स्टेशंस हैं, ये दोनों पावर ग्रिड सब स्टेशंस हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 132 केवी की लाइन जो है अगले ग्रिड सब स्टेशंस पर पहुंचती है, जहां पर इसको स्टेप डाउन किया जाता है। वोल्टेज को 132 केवी वोल्टेज को 33 केवी के वोल्टेज लेवल तक स्टेप डाउन किया जाता है, और यहां से जो ईएचवी कंज्यूमर होते हैं, 33 के कंज्यूमर होते हैं, जैसे होटल हो गया, मॉल हो गया, तथा फैक्ट्री हो गई, हॉस्पिटल हो गए, उनको भी यहां से सप्लाई दी जाती है, तथा दूसरे लोकल के ग्रिड सब स्टेशंस को भी कनेक्ट किया जाता है। इस प्रकार से 33 केवी की सप्लाई लोकल के ग्रिड सब स्टेशन पर पहुंचती है, जहां पर इसको 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट किया जाता है, और यहां से 11 केवी के फीडर निकलते हैं, तथा 11 केवी के जो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, मॉल हो गए, इनको भी यहां से सप्लाई दी जाती है 11 केवी फीडर से, तथा ये हमारे घरों के आसपास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। जो 11 केवी फीडर होते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लगे हुए होते हैं जो हमारे घरों के आसपास, उन सबको कनेक्ट करने का काम करते हैं। फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर ये 11 केवी के वोल्टेज को कम करके 415 वोल्ट पे कन्वर्ट किया जाता है, 415 वोल्ट पे किया जाता है, और फिर यहाँ से जो है LT की लाइन निकलती है, LT फीडर्स निकलते हैं, और ये LT फीडर जो है हमारे घरों के आसपास जो खंभे लगे होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, और उन खंभों से हमारे सर्विस लाइन की मदद से हमारे घरों पे सप्लाई पहुँचती है। ये सर्विस लाइन आप देख रहे हैं, इनकी मदद से फिर हमारे घरों पे सप्लाई पहुँचती है। अगर 3 फेज का कंज्यूमर है तो तीनों फेज और न्यूट्रल हमारे घरों पर पहुँचता है, तथा सिंगल फेज के कंज्यूमर के लिए 1 फेज और न्यूट्रल हमारे घरों पर पहुँचता है, जिसका वोल्टेज लेवल 230 वोल्ट होता है। तो ये जो 415 वोल्ट यहाँ पे कन्वर्ट करता है, ये 415 वोल्ट जो है दो लाइनों के बीच का वोल्टेज है, जो कि किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट होता है। तो दोस्तों ये था, इस प्रकार से आप सभी ने देखा कि इलेक्ट्रिक सप्लाई बिजली जो है हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।